हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 56। बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। आप में से अगर कोई यूपी एपीओ के लिए अपियर होने वाला है, जो कि ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द यूपी एपीओ टेस्ट सीरीज एज वेल। इसमें आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें पूरा लॉ एंड जीके का सिलेबस कवर होगा। इसके साथ साथ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड केस लॉज भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ इन द प्राइस ऑफ 499 ओनली। बहुत ही मिनिमल प्राइस है आपके लिए ये, तो आप इसकी टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं अगर इस साल यूपी एपीओ के लिए एग्जाम के लिए आप अपियर होने वाले हैं तो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, हम सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस करना चालू करें, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, और उसी एग्जाम्पल से हम ये सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और आपने चाइना के एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पे आपको उनको कोई सामान सप्लाई करना था, और आप थोड़ा सा या कुछ सामान ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका पार्ट था, जो आपकी ड्यूटी थी, आप उसे थोड़ा बहुत परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन इसी बीच में मान लेते हैं क्या हो गया, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर छिड़ गया, जिससे भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए चाइना के साथ। अब यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट था, जो आपका बाकी ड्यूटी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करने की, उसे आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो व्यक्ति है चाइना का, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, क्या ये आपको स्यू कर सकता है, क्या ये आपके ऊपर केस कर सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या किया जाएगा, क्या सामने वाली पार्टी से कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मांगे जाएंगे, यही हमको आज के वीडियो में डिस्कस करके समझना है। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम एक जनरल कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो पार्टीज का इंटेंशन क्या होता है कि भाई हमें अपना अपना पार्ट यहाँ पे परफॉर्म करना है, अपनी अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है। और अगर कोई भी पार्टी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, यानी कि अपना पार्ट अगर परफॉर्म नहीं करती है, तो उस पार्टी से क्या मांगे जाते हैं, यहाँ पे डैमेजेस मांगे जाते हैं, कॉम्पनसेशन मांगे जाते हैं। बट ये चीज, ये जो रूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हर केस में अप्लाई नहीं होता। और इसी रूल का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर तो लेते हैं, पार्टीज के बीच में उनका उनका जो पार्ट होता है परफॉर्म करने का, उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो क्लियर होती हैं, पार्टीज परफॉर्म करने के लिए तैयार भी होती हैं, रेडी भी होती हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ बदलाव हो गए, सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज हो जाते हैं, जिससे अब पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती है। जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हुआ कि पार्टी जो है इंडिया में बैठी हुई, वो अपना पार्ट परफॉर्म तो करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही बंद कर दिए, तो अब वो चाह के भी अपना पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं कर सकती है, उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है अपना पार्ट यहाँ पे परफॉर्म करना। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो चुका है। तो सेक्शन 56 का जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ये लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, Lex non cogit ad impossibilia, का मतलब ये है कि लॉ या कोर्ट कोई ऐसी चीज करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता, जिसे करना इम्पॉसिबल है, जिसे करना परफॉर्म नहीं है। तो आप इस इंडिया में बैठे हुए व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं उसका पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुकी है वो चीज करना, वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। अब सेक्शन 56 दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जिसे हम बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। देखो, इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से कोई चीज, इनिशियल लेवल की कोई चीज। तो
इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज जिसे स्टार्टिंग से करना ही इम्पॉसिबल था, यानी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना कभी पॉसिबल था ही नहीं, इसे स्टार्टिंग से परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आपका ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है जिन्हें स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, जिन्हें स्टार्टिंग से ही पार्टीज फुलफिल नहीं कर सकती। ये दिया हुआ है सेक्शन 56 के फर्स्ट पैराग्राफ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स एक आदमी है और इन्होंने वाई नाम की एक लेडी के साथ प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये इनके साथ क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन अब एक्स जो है इनकी पहले से शादी हो चुकी है, दैट इनकी पहले से एक वाइफ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने वाई के साथ किया कि मैं वाई से प्रॉमिस कर रहा हूँ उनके साथ मैं शादी करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक आदमी एक समय पे, एक हिंदू आदमी एक समय पे दो वाइफ्स नहीं रख सकता, दो बीवियां नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने वाई के साथ किया है इसे परफॉर्म करना पॉसिबल है ही नहीं। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही गया होगा इनिशियल लेवल पे ही, स्टार्टिंग से ही ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक्स हमारा पहले से यहाँ पे शादीशुदा है। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल जो कि आपको बेयर एक्ट के अंदर में भी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको मैजिक से, ठीक है, जादू करके खजाना ढूंढ के बताऊंगी। अब मैजिक करना, जादू करना, खजाना ढूंढ के बता देना, ये सारी इम्पॉसिबल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। यानी आपके और मेरे बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है ये इम्पॉसिबल था, इनिशियल लेवल से ये इम्पॉसिबल था, यानी स्टार्टिंग से इसे कभी परफॉर्म किया जा ही नहीं सकता था। दूसरी चीज जो आपका दूसरी सिचुएशन जो सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है, दैट इज अबाउट सबसेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है। ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स ही हैं, आप सबसेक्वेंट बोलो सुपरवीनिंग बोलो एक ही चीज होती है। देखो सबसेक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम दोनों पार्टीज अपना अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बाद में जाके सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में कोई ऐसे चेंजेस हो गए, कुछ ऐसे बदलाव हो गए जिससे अब किसी पार्टी के लिए अपना पार्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उसे परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में सिचुएशन बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गए, अब आपके लिए यानी कि जो हमारा यहाँ पे पार्टी था ए, जो इंडिया में बैठा था, इस पार्टी के लिए अब अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए अब ये इम्पॉसिबल यहाँ पे हो चुका है। तो इसको बोला जाता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट आपका बाद में जाके, सबसेक्वेंटली बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, सबसेक्वेंटली अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती है, क्योंकि या तो आपको परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो गया है, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है, या फिर अब उस चीज को परफॉर्म करना इलीगल हो चुका है। तो ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया जाता है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम सबसेक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं कि जैसे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कुछ सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में आपकी सरकार ने उस देश के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब यहाँ पे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो उसे परफॉर्म करना पॉसिबल था, यानी वो इनिशियल लेवल से इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब आपके लिए बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना दिक्कत हो गया है, प्रॉब्लमैटिक हो गया है। तो यहाँ पे सबसेक्वेंटली आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या, वॉइड। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिन समझने की देखिए कोशिश करते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये आया कैसे, ठीक है। तो ये आया था एक इंग्लिश लॉ से, पैराडीन वर्सेस जेन, जहां हमको अच्छे से पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से देखो ब्रिटिशर्स ने बनाया है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे केसेस, बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, वो भी आपके इंग्लिश लॉ से ही इंस्पायर की गई है। तो सबसे पहला अगर कोई केस था दुनिया में जिसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना गया था या ये पॉइंट उठाया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट डिक्लेयर कर दिया जाए या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, वो था पैराडीन वर्सेस जेन का। अब इस केस को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है और बी एक पर्सन है, ठीक है। ए ने बी से उसकी कोई जगह जो है वो रेंट पे ली, किराए पे, ओके, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। और ए ने यहाँ पे सोचा था कि बिजनेस करके जो भी पैसा आएगा उससे मैं बी को उसका रेंट दे दिया करूंगा, किराया दे दिया करूंगा। लेकिन बाद में इस जगह को मान लेते हैं इन्वेड कर दिया गया, इस जगह को कैप्चर कर दिया गया, जिस वजह से ए यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं कर पाया। बिजनेस नहीं कर पाया तो पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो यहाँ पे बी ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आपने अपना पार्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है, मुझे मेरा किराया नहीं दिया है, ठीक है। अब जब ये मामला आपका कोर्ट में गया तो कोर्ट में ए ने सेम चीज बोली कि मैं रेंट देने की पोजीशन में हूं ही नहीं, मेरे लिए रेंट यहाँ पे देना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर पाया, मैं वहां पे अपना बिजनेस ही नहीं कर पाया। अगर बिजनेस कर पाता जो पैसा आता उससे मैं यहाँ पे किराया जो है वो दे देता, लेकिन अब मैं बिजनेस ही नहीं कर पाया तो मेरे लिए यहाँ पे किराया देना मुश्किल हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस अपनी खुद की मर्जी से नहीं कर पाया, वो प्रॉपर्टी ही अब मेरे पोजेशन में नहीं रही है क्योंकि उस प्रॉपर्टी को कैप्चर किया जा चुका है, यानी यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे में ए ने कोर्ट से बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ए की इस बात को नहीं माना। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कहीं का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है उनको अपना अपना पार्ट क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आपको अपनी अपनी ड्यूटीज यहाँ पे परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। तो यहाँ पे ए को बोला गया कि भले ही आप बिजनेस कर पाए नहीं कर पाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी बी को आपको किराया यहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस जो है वो बनाया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का वो सुना गया, लेकिन पैराडीन वर्सेस जेन में इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, इस कॉन्सेप्ट को माना ही नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऐसे फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड केसेस नहीं आ रहे थे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे सुनने में आ रहे थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कोर्ट में भी जा रहे थे जहां पे एक पार्टी किसी रीजन की वजह से अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसे में दूसरी पार्टी उनके ऊपर कॉम्पनसेशन या डैमेजेस के लिए केस फाइल कर रही थी। तो फाइनली इसके बाद जो दूसरा केस आया, विच इज टेलर वर्सेस कैडवेल का केस, यहाँ पे पहली बार जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इसे एक्सेप्ट किया गया, इसे माना गया कि हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है इसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब देखिए इस केस में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक म्यूजिक हॉल किराए पे लेती है यहाँ पे कॉन्सर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्सर्ट करने के पहले ही क्या होता है, इस म्यूजिक हॉल में आग लग जाती है, फायर हो जा लग जाता है यहाँ पे, आग लग जाती है जिस वजह से ये म्यूजिक हॉल बचता ही नहीं है, खत्म हो चुका होता है। अब जिस पार्टी ने ये म्यूजिक हॉल लिया होता है किराए पे, वो सामने वाली पार्टी को बोलती है कि हमें तो म्यूजिक हॉल चाहिए, हमने आपके साथ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अब आप क्योंकि हमें म्यूजिक हॉल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का केस जो है वो फाइल करेंगे और आपको हमें कॉम्पनसेशन या डैमेजेस देना पड़ेगा। अब ये जो पार्टी थी ये बहुत ही डिफिकल्टी में आ गई, इन्होंने जाके कोर्ट के अंदर ये सेम चीज बोली कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जान पूछ के या जबरदस्ती म्यूजिक हॉल नहीं देना चाहते हैं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ही किया था क्योंकि तब हमारे पास म्यूजिक हॉल था भी कॉन्सर्ट के लिए देने के लिए, लेकिन अब बाद में जाके सिचुएशन ही बदल गई, हमारे म्यूजिक हॉल में आग लग गई और अब म्यूजिक हॉल बचा ही नहीं है, तो ऐसे में हमारी तो कोई गलती नहीं है यहाँ पे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड या फिर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया था, फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दिया गया था, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, पार्टीज के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना।
इसके बाद अलग अलग केसेस के अंदर कोर्ट्स ने अलग अलग पॉइंट्स ऐसे निकाले जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। ऐसे ही तीन पॉइंट्स हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला केस है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो चीज ही नहीं बची, वो चीज ही अब खत्म हो चुकी है। यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था, जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना था, वो ही अब नहीं बचा है, वो ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसा हमने टेलर वर्सेस कैडवेल में देखा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था म्यूजिक हॉल के लिए, यानी म्यूजिक हॉल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था। अब म्यूजिक हॉल ही नहीं बचा, म्यूजिक हॉल ही जल के खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकती। ऐसा एक इंडियन केस भी था जिसका नाम है वीएल नारूसू वर्सेस पीएसवी अय्यर का केस। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल लिया गया था, एक मूवी थिएटर लिया गया था मूवी की स्क्रीनिंग वगैरह करवाने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बारिश की वजह से, रेन्स की वजह से ये म्यूजिक हॉल जो है इसकी दीवारें कोलैप्स हो गई और पूरा ये जो आपका मूवी थिएटर था ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया और अब वहां पे मूवी की स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। ऐसे में दूसरी पार्टी ने, जिसका जिस पार्टी का यहाँ पे ये मूवी हॉल होता है, थिएटर होता है, उनके ऊपर केस फाइल किया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमें स्क्रीनिंग के लिए अपना थिएटर प्रोवाइड करेंगे और अब आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, आप हमें थिएटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने यहाँ पे ये अग्री किया, ये रिकॉग्नाइज किया कि वो पार्टी ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही। अब क्योंकि मूवी थिएटर, मूवी हॉल ही नहीं बचा है, तो यहाँ पे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो चुका है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। रेनफॉल जैसी सिचुएशन उनके भी कंट्रोल में नहीं थी, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती और ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं माना जाएगा, यानी आप यहाँ पे उनसे कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते। दूसरा सिचुएशन होता है सुपर वीनिंग इलीगैलिटी का, यानी कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर, एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर, बाद में आपके जो देश की सरकार है या आपके देश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई दूसरा लॉ पास कर दिया, यानी इस लॉ को हटा दिया गया और उस चीज को इलीगल बना दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ए इंडिया में रहने वाला एक व्यक्ति, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करते हैं। इन्होंने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए इंडिया से बी को पाकिस्तान में कुछ सामान जो है वो भेजेंगे, इसका एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब बाद में मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया, जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक लेजिस्लेशन पास किया कि पाकिस्तान से अब कोई भी सामान इंडिया में नहीं लाया जाएगा, ना ही इंडिया से कोई भी सामान पाकिस्तान में भेजा जाए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इलीगल माना जाएगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो चुका है ए के लिए भी और बी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब सिचुएशन अलग थी, तब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों देशों के बीच में करना अलाउड था, लेकिन बाद में वॉर छिड़ गया, सिचुएशन बदल गई, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे, उसकी वजह से अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, यानी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही तीसरा आपका पॉइंट है डेथ या फिर इनकैपेसिटी से रिलेटेड। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वो ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है किस पे, एक पर्टिकुलर पर्सन पे और उस पर्सन की उस स्किल के ऊपर, जैसे कि किसी व्यक्ति से पेंटिंग बनवाना, अब अगर वो व्यक्ति ही नहीं रहा या उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और अब वो सक्षम ही नहीं है पेंटिंग बनाने के लिए, ऐसे में हम किसी और से तो पेंटिंग बनवा नहीं सकते, ना ही उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने हमें पेंटिंग बना के नहीं दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो चुकी है, ये उसके कंट्रोल में भी यहाँ पे नहीं था। तो अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है या वो किसी कारण की वजह से इनकेपेबल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड मान लेते हैं। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है रॉबिन्सन वर्सेस डेविनसन का केस।
यहाँ पे क्या होता है, एक लेडी होती है जो कि पियानो प्ले करती है, और इन्हें पियानो प्ले करने के लिए एक कॉन्सर्ट में बुलाया जाता है। ठीक है, कॉन्सर्ट की टिकट्स जो है वो बेची जाती हैं, कॉन्सर्ट पूरा ऑर्गेनाइज किया जा चुका होता है, और सबको ये पता होता है कि ये लेडी वहां पे आके पियानो जो है वो प्ले करने वाली है इस डेट पे। लेकिन अब जिस दिन इनको यहाँ पे कॉन्सर्ट में जाके पियानो प्ले करना होता है, उस दिन ये लेडी की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि ये बीमार पड़ जाती है। और ये उस सिचुएशन में ही नहीं होती हैं, ये केपेबल ही नहीं होती हैं कि ये जाके कॉन्सर्ट में पियानो प्ले कर सके। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, यानी जिन्होंने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया होता है, वो इस लेडी के ऊपर केस फाइल कर देते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और हमें आपसे कॉम्पनसेशन या डैमेज यहाँ पे चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे इसी चीज को रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस पे डिपेंड करता था, किसी व्यक्ति की स्किल पे डिपेंड करता था। उस लेडी का पियानो प्ले करना उसकी स्किल थी। अब वो लेडी जो है वो प्ले करने की कंडीशन में ही नहीं है, वो सिचुएशन में ही नहीं है कि वो आपके कॉन्सर्ट में आके पियानो प्ले कर सके, क्योंकि वो अनफिट हो चुकी है, वो बीमार हो चुकी है। तो ऐसे में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी हम उसे फ्रस्ट्रेटेड एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट केस, अगेन ये केस भी आपका प्रिलिम्स में काफी बार पूछा जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपके प्रिलिम्स के अंदर बनता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या फ्रस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया का कौन सा लैंडमार्क केस है, जिसका नाम है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम का जो केस है, ये इंडिया का लैंडमार्क केस है इस डॉक्ट्रिन के ऊपर। देखिए इस केस में क्या होता है, एक कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करती है जहां पे ये एक हाउसिंग कॉलोनी, एक तरीके की जो सोसाइटी होती है वो डेवलप करने वाले होते हैं। यहाँ पे आपके दूसरी पार्टी ने भी इस पूरी सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा होता है, ठीक है, और ये कुछ पैसा ऑलरेडी दे चुके होते हैं, बाकी पैसा इनको बाद में देना होता है जब ये पूरी हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटी को डेवलप किया जा चुका होगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने की वजह से यहाँ पे ये जो पूरी जमीन है इसे कैप्चर कर लिया जाता है। इस जमीन को सरकार जो है वो कैप्चर कर लेती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्पसेस के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी यूज के पर्पसेस के लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो कंपनी है ये कोर्ट में जाती है और बोलती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करिए, फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर कर दीजिए, वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा उस जमीन पे हाउसिंग कॉलोनी बनाना या फिर वहां पे एक टाउनशिप डेवलप करना इम्पॉसिबल हो चुका है। अब हम इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो जमीन ही नहीं बची है जिसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते, वो जमीन सरकार जो है वो टेक ओवर कर चुकी है। इस केस के अंदर लेकिन कंपनी के इस क्लेम को डिसमिस कर दिया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि देखो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ऐसे बदलाव हुए कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो ये जमीन को टेक ओवर किया है या जमीन को कैप्चर किया है वर्ल्ड वॉर के लिए, वो हमेशा के लिए नहीं किया है, जिंदगी भर के लिए नहीं किया है, सिर्फ कुछ समय के लिए किया गया। तो ऐसे में कंपनी को ये बोला जाता है कि एक बार आपको जमीन जब वापस मिल जाए, आप वापस से वहां पे हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करना चालू कर सकते हैं। कंपनी ने लेकिन फिर यहाँ पे एक और चीज बोली, दूसरा पॉइंट जो कंपनी का आर्ग्यूमेंट ये था कि अभी तो ऐसे तो पता ही नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक खत्म होगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर मान लो 10 साल के बाद खत्म होगा, तो हमें पता नहीं हम वापस से कब जमीन के ऊपर डेवलपमेंट कर पाएंगे। कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, जब आपने इस हाउसिंग कॉलोनी के अंदर लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए थे, लोगों को प्लॉट्स बेचे थे, तब आपने उनसे कोई टाइमलाइन तो डिस्कस किया नहीं था, आपने उनसे कोई ये तो वादा किया नहीं था कि इतने समय के अंदर यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी डेवलप कर ही दी जाएगी, इतने समय के अंदर यहाँ पे आपको पूरा घर बना के डेवलप कर दिया ही जाएगा। तो जब कोई डेडलाइन ही नहीं है तो आप 10 साल लीजिए, 15 साल लीजिए, 20 साल लीजिए। तो ऐसे में जब भी आपको प्लॉट वापस यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, आप वापस से उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड और वॉइड डिक्लेयर करने से मना कर दिया था। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
हमने इस वीडियो के अंदर वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो प्रिलिम्स के अंदर एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, सो डू लाइक, डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारे मेजर, माइनर और लोकल लॉज कवर करते हैं आपके कोर्सेज के अंदर। आपको लीगल ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग, करेंट अफेयर्स, करेंट लीगल नॉलेज, इन सब की सेपरेट क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस आपको स्टेट वाइज सेपरेट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।